हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी गवर्नमेंट जॉब न्यूज। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, रेलवे में 1,03,769 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसमें 12 मार्च से 12 अप्रैल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके फॉर्म अभी फिल हो रहे हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ने इसके फॉर्म फिल कर दिए हैं और दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इसमें आवेदन करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आप यहां पर देख पा रहे हैं आरआरसी 1/2019 के नाम से यह वैकेंसी निकाली गई है और इसमें यदि आपको मालूम नहीं है आरआरबी और आरआरसी में क्या अंतर है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया गया है, वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आप इसमें आवेदन कर रहे हैं तो आप कितनी पोस्टों के लिए आवेदन कर रहे हैं, आपका दावा कितनी पोस्टों के लिए यहां पर सिद्ध होने वाला है, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, 1,03,769 पदों के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है और कैटेगरीज वाइज इसमें आपको आरक्षण दिया जाता है और जोन्स वाइज आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं कि आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी यहाँ पर टोटल निकली हैं जिनके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, यह है पूरी यहाँ पर रिजर्वेशन का चार्ट है और किस जोन में यहाँ पर किस सेल में कितनी वैकेंसी निकली है यहाँ पर पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल वैकेंसी की जानकारी, टोटल वैकेंसी देख पा रहे हैं 1,03,769, ठीक है। अब यहाँ पर जो कैटेगरीज ऊपर लिखी हुई हैं, जनरल अनरिजर्व एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हैं यदि आप इन कैटेगरीज में से हैं, ऑफिशियल की बात है, इसी कैटेगरी में से हो गए, ठीक है, इन्हीं कैटेगरी में से हो गए, तो यहां पर देख सकते हैं आप अनरिजर्व के लिए यहां पर पोस्ट दी गई हैं, वैकेंसी की डिटेल आप देख सकते हैं। यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो आप कितनी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, यहाँ पर एससी के लिए यदि आप सेंट्रल जोन में आवेदन करेंगे तो यहाँ पर 1,398, एसटी के लिए 759 और ओबीसी के लिए 2,656 पोस्ट। यहाँ पर दोस्तों सबसे हाईएस्ट पोस्ट बताते हैं आपको, तो यहाँ पर यदि हम सबसे हाईएस्ट पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 13,153 पोस्ट है, ठीक है, 13,153 पोस्ट है किस जोन में, नॉर्दर्न रेलवे डीएमडब्ल्यू एंड आरसीएफ में, ठीक है। अनरिजर्व के लिए 5,144, यहाँ पर एससी के लिए आप देख सकते हैं, एसटी के लिए और ओबीसी के लिए देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, इस बार क्या हुआ है, यह सेल आरआरसी के तहत वैकेंसी कराई जा रही है और दोस्तों आरआरबी ने ग्रुप डी की वैकेंसी 2018 में कराई थी तो उसमें जोन्स वाइज आपकी पोस्ट बांटी गई थी। इसमें आपके जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसमें सबसे कम वैकेंसी भी आप यहां पर देख सकते हैं किस पोस्ट में है। आप अपनी कैटेगरी में भी सबसे कम वैकेंसी देख सकते हैं ओबीसी एसटी एसटी जनरल में, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक। यहां पर और जो अदर यहाँ पर डिटेल है, पूरी डिटेल आपके लिए पिछली वीडियो में दी जा चुकी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतनी जानकारी आपके लिए देनी थी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप एक भी अपडेट मिस ना कर पाएं, ठीक है। दोस्तों, तो मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।